आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों आज का विषय है आप जो कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से है। वचन देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। दोस्तों संत पौलुस कहते हैं कि जो कुछ भी मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। दोस्तों आपने आयुब के विषय में पवित्र शास्त्र में पढ़ा होगा। आयुब बहुत धनवान था। आयुब पर किसी वस्तु की घटी नहीं थी क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आयुब के जीवन पर था। परंतु जब उस समय के लिए आयुब के जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह हटा आयुब धनवान से निर्धन हो गया। आयुब ने अपना सब कुछ खो दिया। अपना धन, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, अपने मित्र, अपने दास, अपनी दासी, अपना सब कुछ। दोस्तों यदि आप आज सांस ले रहे हैं, आज आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। यदि आज आप स्वस्थ हैं, आपके पास रोजगार है, आपके पास संतान की आशीषें हैं, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह ही है। दोस्तों क्या आप जानते हो आज आप जो कुछ भी हो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हो। इसमें आपका कोई योगदान नहीं। सब कुछ आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। अच्छा स्वस्थ, अच्छा घर, अच्छा रोजगार, अच्छी संगति, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा जीवन साथी, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे रिश्तेदार, उत्तम उत्तम वस्त्र, सब कुछ आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मिला है। परंतु यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट नहीं चढ़ाते और अपने जीवन में परमेश्वर को आदर नहीं देते तो आपसे परमेश्वर का अनुग्रह छीन सकता है। आप अपने आशीषों को खो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर द्वारा आपको दी गई आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के उपकारों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप संसार के लोगों को बताते हैं परमेश्वर ने आपके ऊपर कौन कौन से उपकार करे? आज ही प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन से आदर कीजिए। आज से ही प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन से आदर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।